शिवार के मान्यता प्राप्त स्कूल परिवार ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। परवेज अख्तर। रामपुर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की शाखा रामपुर के जिला उपाध्यक्ष परवेज अख्तर ने कहा कि समिति 24 महीनों से लगातार स्कूलों की मांग पूरी करने हेतु ज्ञापन देकर व प्रदर्शन कर आंदोलनरत रहे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। समिति ने चेतावनी दी है कि अब समिति रामपुर जिले के उन्हीं नुमाइंदों को आशीर्वाद देगी जो समिति की मांगों को पूरा करने का शपथ पूर्वक आश्वासन देगा, वरना मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालक सहित शिक्षक व अभिभावक और संबंधित कर्मचारी बहिष्कार करेंगे। समिति की मांग है कि लगभग 2 सालों से जो भी बंद मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभिभावकों से शुल्क शून्य मिला है को देनदारी से उभारने हेतु आर्थिक अनुदान 20-20 लाख रुपया दिया जाए, जबकि सभी बच्चों को किताबें, मोजे, ड्रेस, मिड डे मील सहित नई शिक्षा नीति में पढ़ाई कक्षा 1 के स्थान पर प्री प्राइमरी से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन के बाद ही समिति की जिला इकाई उचित निर्णय लेकर समर्थन करेगी। रामपुर से ब्यूरो चीफ शफीक अल्वी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज अख्तर है, मैं बेसिक शिक्षा कल्याण समिति का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये आह्वान है कि हम जो है वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो हमारे सर्वेश पाठक जी हैं, उन्होंने हमें आह्वान किया है और हम भी लोग जो है स्थानीय स्तर पर जो है सारे विद्यालयों की समस्याओं को लेकर के और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के हम जो है विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अच्छा, आप क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं? बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि 18 महीने जो है हमारे विद्यालय बंद रहे, उसमें जो है ना ही हमारे राज्य सरकार ने और ना ही स्थानीय जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने कोई भी हमारी बात आकर के नहीं सुनी। विधानसभा चुनाव में जो है जो भी नुमाइंदे हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं हमने उनसे एक ही बात रखी है और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि हमारी अगर समस्याएं को प्राथमिकता के तौर पर वो विधानसभा में उठाएंगे तो हम सभी विद्यालय वाले, जितने भी बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के और जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो सभी लोग जो हैं, अगर वो सभी लोग तभी इसी मुद्दे पर और इसी आश्वासन पर वोट करेंगे विधानसभा में जब वो हमारी समस्याएं, हमारे स्कूलों की समस्याएं, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं और स्कूल खुलवाने के संबंध में हमारी जो है वो विधानसभा में हमारी बात रखेंगे, तभी हम जो है वो वोट करेंगे, अन्यथा हम जो है सभी लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और हम सभी शिक्षकों से और सभी प्रबंधकों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग जो हैं विधानसभा में वोट डालने ना जाएं और जो भी उम्मीदवार जो हैं वो सुहार और टांडा विधानसभा में या जिला रामपुर में जहां पर भी जो है वोट मांगने के लिए आएँ उनको जो है साफ मना कर दें, भाई चुनाव का बहिष्कार करें, कोई भी वोट डालने ना जाए। हमारे शीर्ष नेतृत्व का सख्त निर्देश है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बारे में ना सोचे, ऐसे नुमाइंदों का हम बहिष्कार करेंगे और जो हमारी बात करेगा विधानसभा चुनाव में हम उन्हीं लोगों को वोट करेंगे। अच्छा, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, जैसे कि आप अभी बहिष्कार कर रहे हैं अपने चुनाव का, अगर आप मांगे रखते हैं तो क्या क्या मांगे आप सरकार से? पहली बात तो ये है, हमारा पहला जो मांग है वो ये है कि हमें भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो है 3 शिक्षक दिए गए हैं, जैसे कि मदरसों में जो है आधुनिकरण किया जाता है, वैसे ही जो है हमारे विद्यालयों में जो है विशेष पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि 18 महीने स्कूल बंद रहे उसमें शिक्षक जो है खाली हाथ हो गया और प्रबंधक खाली हाथ हो गए। इसमें जो है हमारा ये मांग है कि प्रत्येक विद्यालय को जो है सरकार जो है 20 लाख का पैकेज का ऐलान करे और सभी शिक्षकों को सरकारी करे। चलिए,